नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का जो विचार बिंदु है, शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, बिहार के राज्यपाल और अब उच्च न्यायालय। बिहार में जो उच्च शिक्षा में जो गतिविधि चल रही है और पटना उच्च न्यायालय में जो केस पहुंच गया है, तो बिहार में एक बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय का खाता को बंद कर दिया। स्वाभाविक है कि सारे विश्वविद्यालय के साहब लोग पटना उच्च न्यायालय में पहुंच गए। पटना उच्च न्यायालय में पहुंच गए तो हाई खाता बंद करने पर, तो जिसमें पेंशन है भी बंद हो गया, वेतन पेंशन। अब श्रम के कार्यकर्ता होने के नाते पेंशन कोई बंद नहीं कर सकता है, पेंशन जो है इसको बंद नहीं कर सकते, ये उच्चतम न्यायालय का पूर्णतः आदेश होता है। पेंशन किसी का बंद नहीं कर सकते हैं, वो अवकाश प्राप्त कर्मचारी है। अब देखिए कि वेतन पेंशन सब बंद हो गया। पटना उच्च न्यायालय ने पहली जो सुनवाई किया उसमें उसने खाता पर से रोक हटा लिया और ये आदेश दिया कि 6 तारीख को आप बैठक करें, इस महीने में 6 जो बीत गया, 6 को बैठक करें जिसमें पाठक जी भी रहें, सभी पदाधिकारी रहें, अगर जरूरत पड़े और समय हो तो मुख्य सचिव अध्यक्षता करें, अन्यथा अध्यक्षता कोई ना करे, और उसका बजाता वीडियो बनाए पूरा कार्यक्रम का, और वहां पर आप एक निश्चित विषय पर आप पहुंचे। लेकिन इस बैठक में भी ये पाठक जी जो आईएएस पदाधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, बिहार के शिक्षा को सुधार करने चले हैं, वो इस बैठक में भी 6 तारीख वाले बैठक में भी नहीं है, और अपने जूनियर सभी को भेज दिए। अब पटना उच्च न्यायालय पुनः ये समय दिया है कि हम 17 मई को अगली सुनवाई करेंगे। ये बिहार के शिक्षा जगत के लिए एक कुंभ के रूप में हो गया है। एक पदाधिकारी जो यूपीएससी पदाधिकारी है, जिसको आईएएस कहते हैं, वो उच्च शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, शिक्षा जगत को। 1 से 12 तक के जो शिक्षक हैं, इन शिक्षकों में अब बीमारियां भी व्याप्त हो गई है, तनाव, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत तरह का। क्या भाई, इनको पाठक जी को क्या है कि हम सुधार कर देंगे, बिहार के जो भी लड़का निकलेंगे हाई स्कूल से ना, वो सब मतलब कि आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे। आगे देखिए, 17 मई को पुनः सुनवाई है। इस सुनवाई के साथ मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना है कि जब गवर्नर साहब के नाम से ही सब कुछ होता है, गवर्नर साहब 2 दिन बुलाए नहीं गया, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस पाठक जी का शारीरिक और मानसिक जांच भी होना चाहिए कि क्या ये इस व्यक्ति को कोई बीमारी तो मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये जो आज अकारण जो केस उच्च शिक्षा जगत में चल रहा है, हमने अगले जो वीडियो बनाए हैं डाले उसमें ये भी दिए हैं कि ये पीएचडी करने के लिए बहुत सुंदर विषय है, वो एक अलग बात है। पीएचडी अगर कोई विद्यार्थी करना चाहता है तो वो इस विषय पर कर सकता है, लेकिन 17 मई को अब पुनः पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। नमस्कार।